स्टार्स अलग कैटेगरीज में आ जाते हैं, तो उनको देख के आपको क्या तासुरात है? क्योंकि देखिए, जब मेरी नसीर साहब से बात हुई थी, नसीर साहब को कभी भी वो जो है इम्प्रेस नहीं हमको नजर आए किसी की भी एक्टिंग से, चाहे वो शाहरुख हो, आमिर हो, सलमान हो, यहाँ तक कि वो तो बच्चन साहब की भी एक्टिंग से मतलब बहुत ज्यादा मुतासर नहीं रहते हैं, सिवाय अक्षय और अजय के। तो आपका क्या नजरिया है इन सब चीजों को लेकर? मैं उसको ये नहीं कहता, थोड़ा सा अलग है कि अगर आप जिसको एक्टर कह रहे हैं, अगर वो स्टार है, कर तो वो एक्टिंग ही रहा है, चाहे कोशिश ही कर रहा हो अपने लेवल पे। अब आप यूं कह लें कि भाई सनी देओल को एक्टिंग नहीं आती बिल्कुल भी, या सुनील शेट्टी को नहीं आती, हाँ नहीं आती, बट दे आर स्टार ना, वो उनकी अपनी एक अलग जगह है, उनकी अलग एक मार्केट है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे समाज में हर तरह के, इस दुनिया में, समाज में और हमारी संस्था में, जिसको फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, हर तरह के इंसान की गुंजाइश है। यहाँ पे उस तरह के काम होते हैं कि अगर आपको हीरो बनना है तो उसकी अलग पराकाष्ठा है, या उसकी अलग उसका अलग पैमाना है बनने का। एक्टर बनना है उसका अलग पैमाना है। लेकिन थोड़ा सा यही होता है कि वो भी एक कैटेगरी है, स्टार की और एक्टर की भी एक कैटेगरी है। नहीं, जैसे आपने कहा कि सनी देओल को एक्टिंग नहीं आती, तो सनी देओल ने तो मतलब कई फिल्मों में बड़ा प्रूफ किया है, घायल हो, घातक हो, हाँ, मैं अवॉर्ड ये नहीं कह विन। रहा उनको एक्टिंग नहीं आती, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लोग ये कहें कि उनको एक्टिंग ही नहीं आती, या सुनील शेट्टी को एक्टिंग नहीं आती, तो कर तो वो एक्टिंग ही रहे हैं। मेरे कहने का ये मतलब, चाहे